चलिए आज हम बात करेंगे मनी रेकी के बारे में। आप में से सभी अधिकतर लोगों को मालूम, अधिकतर लोगों ने रेकी सीखा हुआ है। और जो भी हम रेकी में सिंबल्स को यूज करते हैं, आप सभी लोगों ने, जो हमारे जो स्टार्टिंग गेट चौकोर सिंबल होता है लेवल 1 में, प्लस हमारा सहेकी प्लस हमारा हॉर्न चाहे जैसे है, ये तीनों सिंबल्स अधिकतर लोगों को, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन्हें मालूम होगा। और जिनको नहीं भी मालूम, तब भी जब हम ये क्लास लेंगे तो हम इस सिंबल के बारे में बात करेंगे। और जो हम आपको अटूनमेंट देंगे उसके अंदर, जो हम लेवल 1 के अंदर हम चौकड़ों से आप लोगों को अटूनमेंट देते हैं, तो वो हम इसमें भी अटूनमेंट देंगे, ताकि जब आप इस कोर्स को करते हैं, इस कोर्स को करने के बाद अगर आप आगे इसको एज अ प्रोफेशनल इसको यूज करते हैं, तो वहां पर आपको दिक्कत ना आए किसी और को अटूनमेंट देने में। ठीक है? मैम, फिर इसमें भी अट्यूनमेंट मिलेगी? एक ही अट्यूनमेंट है इसके अंदर, जी, इस पूरे मनी वाले में एक पूरे में ओवरऑल 1 अट्यूनमेंट है? ओवरऑल वन है। ठीक है मैम। बहुत सारे लोग, मतलब देखिए मनी क्या है, मनी एक ऊर्जा है। और ऊर्जा क्या है, एनर्जी क्या है? एनर्जी हमारे पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ दो ही होती है, एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। जिस तरफ आप अपनी एनर्जी को बहाओगे, एनर्जी उसी दिशा में बहती जाएगी। अगर आप पॉजिटिव तरीके से अपनी एनर्जी को बहाओगे तो एनर्जी पॉजिटिव तरीके से बहेगी। अगर आप एनर्जी को नेगेटिव तरीके से बहाओगे तो एनर्जी आपकी नेगेटिव तरीके से बहाओगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अमीर होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अमीर नहीं होते हैं, गरीब होते हैं, ऐसा क्यों होता है? कुछ तो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार होते ही हैं, कुछ नहीं होते हैं, 100% वो हमारे जीवन पर असर करते हैं जो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। लेकिन हम अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो हमारा पास्ट है जिसे हम बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें बहुत सारी टेक्निक्स को यूज करना पड़ता है। एक नॉर्मल तरीके से हम उसको नहीं बदल सकते। तो इस वो हमारी जिंदगी पे असर करते हैं, लेकिन हमें अपने आप को पॉजिटिव रखकर उन चीजों से लड़ना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। यही हमारे जीवन का जो उद्देश्य होना चाहिए वो यही है। तभी आप अपनी जिंदगी में तरक्की कर सकते हैं, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो मनी रेकी का हमारा यही सिद्धांत है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो हम ब्रह्मांड को देते हैं वही ब्रह्मांड हमें लौटाता है। हम उसको 10 रुपए देंगे तो वो हमें उसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हमारे जीवन में हमें वो वापस करता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो ये है कि आपकी मनी के साथ में फीलिंग कैसी है, आप उसको कैसे फील करते हैं। आपकी मनी के साथ जो फीलिंग है वो ही बताएगी कि आप अपनी जिंदगी में कैसे पैसे को अर्जित कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं, या फिर कितना अर्जित कर पाते हैं। इसी से पता चलता है कि आप मनी को कितना अट्रैक्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत रिच होते हैं और वो बहुत दान पुण्य करते हैं, वो बहुत दान पुण्य करते हैं, लोगों को सेवा करते हैं, लोगों को भोजन खिलाते हैं, उनके लंगर भी चलते हैं, मतलब बहुत इस तरीके से वो सोसाइटी को देते हैं एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ। और जब वो सोसाइटी को पॉजिटिव फीलिंग के साथ देते हैं तो ब्रह्मांड भी उनको पॉजिटिव फीलिंग के साथ देता है। लेकिन जो व्यक्ति के पास में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति की सोच उस मुकाम तक जा ही नहीं पाती, उसकी सोच बहुत छोटी हो जाती है। और जब उसकी सोच बहुत छोटी हो जाती है तो वो उस लेवल पर पहुंच ही नहीं पाता। तो सबसे बड़ी बात ये कि हमको उस सोच पर काम करना है, अपने उस सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है कि हम पैसे को आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं।
और जो चीज हमारे पास है उसको हमें ईश्वर को धन्यवाद देना है, ग्रेटिट्यूड की हमारे अंदर फीलिंग होनी चाहिए, प्लस सेवा भाव की फीलिंग होनी चाहिए। अब जब हम कोई भी काम करते हैं, पैसे को लेकर हमारे अंदर बहुत सारी पॉजिटिव फीलिंग भी होती है। जब हमारे पास पैसा आता है तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, हमें बहुत खुशी मिलती है और हमारे पास बहुत सारा पॉजिटिविटी हमारे जीवन में आती है। और वहीं जब हमें पैसा किसी को देना पड़ता है, इनफेक्ट हम खुद उस चीज को यूज कर रहे हैं, सपोज करिए आपके घर में बिजली का बिल आ गया 10,000 रुपए, आपकी जो सोच है वो नेगेटिव हो जाए, आपको लगेगा ओ माय गॉड। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके लिए 10,000 रुपए कोई मायने नहीं रखता, बट 10,000 रुपए एक नॉर्मल फैमिली के लिए मायने रखता है। ठीक है, तो हमारी सोच बदल जाएगी, हमें लगेगा ओ माय गॉड 10,000 रुपए बिल आ गया, ओ हो, बहुत ज्यादा हम उसके लिए नेगेटिव हमारे अंदर फीलिंग आ जाएगी। अगर बाय चांस कोई बीमार हो गया, आप हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, हॉस्पिटल में आपका 10 लाख रुपए का खर्चा आ गया, 20 लाख का खर्चा आ गया, आपकी फीलिंग नेगेटिव हो जाएगी। हॉस्पिटल का मुंह तो खैर कोई देखे ही ना, लेकिन मैं जस्ट एक आपको बता रहे हूँ कि आपकी फीलिंग वहां पे नेगेटिव हो जाएगी। तो हमें अपनी फीलिंग को पॉजिटिव रखना है। अगर हमारी वो फीलिंग्स पॉजिटिव होंगी, अगर हम इस तरीके से सोच सकते हैं कि मैंने 10,000 रुपए का बिल पे करा है, उस 10,000 रुपए से किसी का घर की रोटी चल रही होगी, किसी के बच्चे की पढ़ाई हो रही होगी, किसी की मेडिसिन आ रही होंगी, किसी के एक सेवा भाव से जब आप उस पैसे को अपना बाहर, आप एक्चुअली वो 10,000 रुपए का अगर आपका बिजली का बिल आया है तो आपने उसका सुख भी आपने ही भोगा है, लेकिन जो हम सुख भोगते हैं वो हम नहीं सोचते हैं। हम जो पैसा खर्च करते हैं उसके लिए हमारे मन में नेगेटिव फीलिंग आती है। उस नेगेटिव फीलिंग को पॉजिटिव करने के लिए अगर आप अपनी सोच को इस तरीके से बना लेंगे तो फिर वो हमारी जो फीलिंग है वो पॉजिटिव होगी, राइट और नॉट, है ना। तो हमारी फीलिंग जब पॉजिटिव हो जाएगी, राइट ना, तो जब हमारी फीलिंग पॉजिटिव हो जाएंगी तो पैसा भी सकारात्मक रूप से हमारे जीवन में आएगा। ब्रह्मांड हमको समझेगा कि हम इस लायक हैं कि हमारे पास पैसा आए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है लेकिन वो फिर भी हमेशा रोते ही रहते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा बहुत कम होता है लेकिन वो हमेशा खुश रहते हैं। और आप देखेंगे कि जो लोग खुश रहते हैं उनको बीमारियां भी नहीं होती, वो हंसते खेलते अपनी जिंदगी जीते हैं। और जो लोग दुखी रहते हैं, रोते रहते हैं, करोड़ों लाखों अरबों कमाने के बाद भी या तो उनका पैसा बीमारियों में चला जाता है, या तो उनके घरों में इतनी लड़ाइयां होती हैं, बच्चे बंटवारा कर लेते हैं, उनके जाते ही मकान बेच देते हैं, यू नो, इस तरीके से चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें आपकी सोच पर निर्भर करता है। तो इसलिए आप अपने पैसे को हील करें। अब आप अपने पैसे को हील कैसे करेंगे, तो उसका जो सबसे आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ, जब भी आप किसी को पैसे देते हैं, इवन अगर आप एक रिक्शे में जा रहे हैं, आप रिक्शे वाले को भी पैसे दे रहे हैं, तब भी आपने उस पैसे को अपने हाथ में रखना है। और जो लोग यहाँ पे जिन्होंने रेकी सीखा हुआ है वो उसको चौकरा बना के उसको, जो हम आगे सीखेंगे चौकरे सिंबल में आपको बताऊंगी सिखाऊंगी, चौकरे सिंबल को बनाकर उस पैसे के ऊपर हाथ रख के उसको हील करना है कि आप जिसके पास भी जा रहे हो उसके काम को बनाओ, उसको सुख दो और 10 times मल्टीप्लाई होकर मेरे जीवन में वापस आओ। उसको इस इंटेंशन के साथ आपको पैसा देना। अगर आप मार्केट में कोई कपड़ा खरीदने जा रहे हो, आपको उस इंटेंशन से वहां पे पैसे खर्चने। आप घर में कुछ भी अपना खाने का सामान लेकर आ रहे हो और पैसा दे रहे हो वहां पे, उस इंटेंशन के साथ आप देखेंगे थोड़े दिनों के बाद वो पैसा आपके पास लौट के 10 गुना आएगा, 101%। कभी भी ऐसा नहीं बोलना हाय हाय 20 रुपए इतने ज्यादा पैसे। बहुत लोग बोलते हैं ना यार यहीं तक तो जाना है यार, 20 रुपए क्यों, 10 रुपए का काम है। जरा रिपीट करना मैडम, क्या करना है, एक हाथ में पैसे रखना है और दूसरे से
एक हाथ में पैसे रख के दूसरे हाथ से उस पैसे को ब्लेस करना है। ये राइट और लेफ्ट का फर्क भी तो होगा। नहीं, आपने लेफ्ट में रखा तो आपने राइट से करो, और जो लोग मतलब राइट हैंडिंग है वो राइट से करे, लेफ्ट पे रखे, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ आपके इंटेंशन है। जो भी आप हीलिंग मोडालिटीज के अंदर काम करते हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी इंटेंशन चलती है। क्लियर? लेफ्ट में करके फिर राइट से उसको क्या करना है? आप, आपका नाम क्या है? आप प्लीज एक बार रेव योर हैंड करेंगे तो मैं आपको देख पाऊंगी। कौन बोल रहे थे? रविंदर गुप्ता। अच्छा अच्छा रविंदर जी, हाँ क्या क्वेश्चन था? हाँ, आपने आपने रेकी सीखा हुआ है? नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, अगर आपने रेकी नहीं सीखा तो आप उसको सिंपल तरीके से उसको ब्लेस करिए। जो लोग यहाँ पे रेकी स्टूडेंट्स बैठे हैं वो वहां पे चौकोर सिंबल को बनाएंगे, और जब हम आगे क्लासेस करेंगे तो हम ये सारे सिंबल सीखेंगे। तो वहां पर आपने चौकड़े, चौकड़े सिंबल जो होता है हमारे रेकी के अंदर एक पावर सिंबल होता है, जिसकी अपनी खुद की ही बहुत हाई एनर्जी होती है। ठीक है, तो वो हम उसको एनर्जी